Ivan, what are you doing? Dog, what is this? What are you doing? Nila Dad. Why? Remove. Open. Sure. हाँ, सो इससे पहले जो आपने स्लो मोटेजेस देखी वो सुबह के थे। सुबह मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बेबी थोड़ा सा कैंगी बेबी क्या सॉरी नाम रख दिया है, नाम है कृषिव सोनिक। मेरा बेबी डिलीवरी व्लॉग और नेमिंग सेरेमनी व्लॉग दोनों बचा है, बट सिंस मैंने नेम हर जगह रिवील कर ही दिया था तो माइट एज वेल जस्ट सेड, क्योंकि गणपति का व्लॉग जो पहले आएगा ये थोड़ा सिंपल है और वो नेमिंग सेरेमनी वाला ब्लॉग और बर्थ ब्लॉग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरे को थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है वो एडिट करने के लिए। ये मॉर्निंग सर फुलफिलिंग मॉम ड्यूटीज एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। जाग गया है गर्मी की वजह से बिकॉज फैन बंद है ना और आज भी एसी नहीं चालू किया, हमने सुबह चालू किया था। युवान ये फाड़ दे, एक फेंक गुजरात में, दूसरा फेंक बंगाल में। और अभी है सेकेंड और फाइनल डे, वन एंड हाफ डेज का गणपति जो हमने बेसिकली रखा है, पूजा करने वाले, आरती करने वाले और उसके बाद घर पे विसर्जन करेंगे पेपर की मूर्ति। तो अभी चलते हैं। श्री त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वदा सर्वकारेषु नास्तेषां मङ्गलानि सामर्थ्यस्तु भगवन् मोरे हरे बप्पा मोरे हरे गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। इस बार हमने जो है वो पेपर के गणपति लिए थे, नीचे होपफुली डिजॉल्व हो जाएगी मूर्ति और आई थिंक सुबह तक इसको हम शायद प्लांट्स में फिर डाल सकते हैं। अभी जो है ये ब्लॉग एंड नहीं करूँगा, ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगा, कल मेरा वैक्सीनेशन है और कल मेरा वैक्सीनेशन है। हाँ, और कल कृषिव को 30 डेज हो जाएंगे, सो वो भी छोटा सा सेलिब्रेशन है। ओके, बैक फ्रॉम द वैक्सीनेशन, हाथ नॉर्मली लग रहा है। आई डोंट थिंक सेकेंड डोज के बाद कोई प्रॉब्लम होती है। अभी फिलहाल जो है एज आई सेड दैट कृषिव का आज 1 मंथ हो गया, तो मोनिशा ने कुछ आइडिया प्लान किए, कुछ बेडशीट बिछा के एंड उस पर थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन करके उसकी फ़ोटो लेनी है। छोटा सा सेलिब्रेशन है आज, उसका डेकोरेशन करूँगा, उसकी फ़ोटोज़ मैं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा है और मुझे तस्वीरें लेने आती है, तो फ़ोटोज़ उसकी लूँगा और रात को जो है हम केक कट करेंगे इसके 1 मंथ सेलिब्रेशन का। और वैक्सीनेशन के बाद मेरा थोड़ा लेफ्ट आर्म दुखना शुरू हो गया था क्योंकि पहले फर्स्ट वैक्सीन में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, सेकेंड में अचानक थोड़ा लेफ्ट में पेन होना शुरू हो गया था। और जैसा कि मैंने अभी फ़ोटोशूट कर लिया, शायद मैं फ़ोटो डाल दूंगा ये व्लॉग में, बट अभी जो है बड़ी मम्मा और बड़े पापा जो है कृषिव के, बहुत बड़े पापा जो है और युवान दीजी जो है सुंदर सा केक लेके आए हैं। यही केक मेरे को एक्चुअली इसके नेमिंग सेरेमनी पे करना था, बट यही केक मुझे इसके नेमिंग सेरेमनी पे रखना था बट मैं वो नहीं ले पाया, तो फिर युवान वीर जी इसलिए वही केक लेके आ गए। मैं केक दिखाता हूँ और ये केक है और ये है युवान जो रेडी है केक कट करने के लिए। इसको बहुत जोर से आ रहा है केक कट करने के लिए क्योंकि उसको दिख गया है कि ये केक है तो ये इसी को कट करना है। और बचाओ अंदर जा, ये भगाओ मारो। वाह, और ये केक है, मम्मी तो ब्लॉग में नहीं आती, बहुत बढ़िया केक है। ये देखो बड़े लेयर का केक है, मैंने कभी खाया नहीं, कौन सा फ्लेवर है ये? रेनबो। पापा ने ये बोला है नाउ द 1 मंथ ओल्ड बॉय इज अराइविंग विद द 59 ईयर ओल्ड बॉय। आ गए, हां 1 मंथ ओल्ड बॉय इज हियर हियर विद द 59 ईयर ओल्ड बॉय इज हियर 59 ईयर ओल्ड बॉय 59 ईयर ओल्ड बॉय प्लीज शो योर फेस इन द वुड्स। पापा का भी फेस ब्लर कर देना। और कोई घर पे सेलिब्रेशन हो और मम्मी ना बनाए ऐसा नहीं हो सकता, और स्पेशली आज तो उनके पोते का फर्स्ट मंथ है तो मम्मी ने भी कुछ बनाया है। क्या है ये मम्मी, क्या बनाया? मिल्क केक ना, मिल्क केक। ये मम्मी ने केक बनाया है और बड़ी मम्मा जो है वो अपना
गार्निशिंग टच दे रही है इसको, डेकोरेट कर रही है, ये तो लग ही नहीं रहा मिल्के के, कौन सा केक है ये? मिल्के के, वाह कितनी चलो हैप्पी हैप्पी वन मंथ यू वंस क्रिशिप हैप्पी वन मंथ यू वंस क्रिशिप सौरभ मामू मामा से हेलो मामा जय डू जय जय मामा छोटा सा वीडियो है गणपति और ये तो मेरे को लगा 4-5 मिनट का ही बनेगा खाली मैक्सिमम मेरा वो नहीं वैक्सीनेशन का वो मैंने एक ही क्लिप लिया खाली बस अच्छा यू वांट स्टाइल टाटा बोलते चलो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक यू सो मच सब्सक्राइब एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नहीं माइक है वो कैप्चर कर ले ओके कर लेना सेसी ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड चलो बाय टाटा 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 हे दादा चलो चलो बाय।